हेलो दोस्तों, तो चलिए इस फाइनल क्योर एल्गोरिदम के वीडियो में बात करते हैं लेबलिंग डेटा ऑन डिस्क की, और फिर फाइनली कंप्लीशन फेज की बात करेंगे. सो द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग द इनिशियल डेटा सेट एक्सक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो अब क्या होता है, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू सैम्पल द इनिशियल डेटा सेट, तो उसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं. दिस डेटा पॉइंट मस्ट बी असाइन टू सम क्लस्टर क्रिएटेड इन फॉर्मर फेजेस. तो स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में जो भी हम क्लस्टर बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो इन डेटा पॉइंट्स को हमको असाइन करना ही होता है, सारे जो भी एक्सक्लूड हुए हैं. ईच क्लस्टर क्रिएटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स. हर एक क्लस्टर के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होते हैं, एंड ईच पॉइंट एक्सक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज आर एसोसिएटेड टू द क्लस्टर हुज रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इज क्लोजर. कैसे, देखिए मैं बताती हूँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब क्या है. देखिए यहाँ पे सपोज ये आपका क्लस्टर है जिसका ये रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, ये आपका दूसरा क्लस्टर है जो इसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है. पहले क्या हुआ होगा कि ये एक ही क्लस्टर होंगे, इनको पार्टीशन किया रहेगा, तब ये अलग अलग क्लस्टर्स बने. तो जब इनको पार्टीशन किया गया तो इस क्लस्टर में से ये वाला रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट निकल गया, या फिर बहुत सारे पॉइंट्स निकल गए और ये पॉइंट जो सेकेंड क्लस्टर में जाके उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बन गया, यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था. तो इसी की बात हुई है वहां पे कि वेन एवर वी आर पार्शलिंग पार्टीशनिंग द क्लस्टर्स, तो कैसे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स भी एक्सक्लूड हो जाते हैं, बट दे आर एसोसिएटेड विथ अनदर क्लस्टर, देन लेटर ऑन उनको दूसरे क्लस्टर से एसोसिएट कर दिया जाता है और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे कि इस केस में. एंड लेबलिंग डेटा ऑन डिस्क बेसिकली मीन्स दैट दिस प्रोसेस मीन्स नेमिंग द क्लस्टर्स फॉर्म्ड. सो जो सपोज आपका ये क्लस्टर है, अगर आपने कोई बड़ा सा रैंडम सैंपल लिया और उसको फिर दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, दो तीन पार्टीशन किए उसके, तो हर एक पार्टीशन विल बी योर क्लस्टर, एंड ईच क्लस्टर कैन बी नेम्ड यूजिंग एनी ऑफ द वेरिएबल्स और एनी ऑफ द सिंबल्स. सो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लस्टर को आर नाम दिया, एक को एस नाम दिया है. सो दिस इज हाउ वी लेबल द डेटा और लेबल द क्लस्टर्स ऑन द डिस्क, ऑन द मेमोरी. देन लास्ट फेज, दैट इज कंप्लीशन फेज. The next phase of cure is to merge two clusters if they have a pair of representative points, one from each cluster that are sufficiently close. जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, completion phase में क्या होता है, जो भी हमारे clusters हैं उनके representative points को ढूंढा जाता है, and जो भी close होंगे उनको हमको merge करना होता है. The user may pick the distance that defines close. This merging step can repeat until there are no more sufficiently closed clusters. और ये कब तक हमको करना है, कब तक हमको मर्ज करते रहना है क्लस्टर्स को, तब तक जब तक हमारे पास और कोई भी क्लस्टर्स ना बचे जो इतने क्लोज हो कि उनको मर्ज किया जा सके. सो दिस इज हाउ एंड में क्योर एल्गोरिदम के ऑल द क्लस्टर्स आर मर्ज टूगेदर, एंड इससे हमको एक बहुत ही एफिशिएंट क्लस्टर मिलता है विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी आउटलायर्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल द डेंस पॉइंट्स टूगेदर इन वन प्लेस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्योर एल्गोरिदम एंड उसके फेजेस. तो ये पूरी वीडियो की सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको क्योर एल्गोरिदम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.